This is the brutal murder, more than a murder, murder of our parliamentary system, murder of our democracy. If you have any problem, the only way is discuss, debate and decide. Pass, pass, say aye, aye. आपने दिन क्रिएट किया अपने तौर तरीके से अपनी मंशा से और दिन में बिल पास करने की एक नई परंपरा आपने शुरू की। आज ऐसी बर्बादी की कगार पे हिंदुस्तान के किसान को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट किया। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। कल देश की संसद में, राज्यसभा में, जो उच्च सदन है संसद का, उसमें एक अजीब तरीके का हंगामा देखने को मिला, जिसे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र की पूरे तरीके से हत्या कर दी गई है। किस तरीके से विपक्ष को न सिर्फ के टीवी चैनलों के पर्दों पर, जहां विपक्ष की आवाज़ें बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, बल्कि अब संसद में भी एक तरह से म्यूट कर दिया गया है, हिंदी में कहें तो मूक बना दिया गया है, ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी सांसद। तो विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा था इस बात का कि जो किसानों की कृषि में सुधार के नाम पर जो 3 कानून पास किए जा रहे थे कि उन पर बहस होनी चाहिए, और उनको किसान विरोधी बताकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि इनको पास नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पूरा एक हंगामा देखने को मिला और जिस तरह से आवाज़ जो है विपक्ष की वो दबाई गई कि जो सुधार है उसके नाम पर किसानों का ये कहना है कि MSP उसको जो है वो ख़त्म कर देना चाहती है सरकार। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती है किसानों को, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह की स्थिरता बनी रहती है, उसको भी अस्थिर बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये विपक्ष का आरोप ये है कि इस पूरे जो खाद्य का बाज़ार है या फिर जो प्रोडक्शन सप्लाई और जो फूड मार्केट है, इसको भी इसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाने की कोशिश की जा रही है, यानी इसको भी निजी हाथों में सौंप दिया जा रहा है, जिससे किसान जो है वो पूरे तरीके से जो बड़े कारोबारी हैं उनके हाथों की एक तरह से कठपुतली बन जाएं। लेकिन अब इस सबके मद्देनज़र जो हंगामा हुआ राज्यसभा में, उसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्ष के सांसद हैं, 1 हफ्ते के लिए उनका निलंबन हुआ है। हालांकि अब 2 दिन ही और चलेगी देश की संसद, लेकिन 1 हफ्ते के लिए उनका निलंबन हो गया है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया उनमें डेरेक ओब्रायन हैं, राजीव सातव हैं, संजय सिंह हैं, के राकेश हैं, रिपुन बोरा हैं, डोला सेन हैं, सैयद नज़ीर हुसैन और ई करीम हैं। इन सभी को उपसभापति ने यह कहा है कि इन्होंने बुरा बर्ताव किया, असंसदीय व्यवहार का इनके ऊपर आरोप लगाया गया, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन विपक्ष ने कल सोशल मीडिया पर खासकर इसको लेकर कहा कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जहां विपक्ष की आवाज़ को सुनने नहीं दिया जा रहा है और जो ध्वनि वोट है उससे इन बिल को पास करा लिया गया। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों, और ऐसे वक्त में जबकि पूरे देश में एक संकट है, पूरी दुनिया में महामारी का एक संकट है, क्यों इतनी जल्दबाजी में है सरकार। सबसे पहले मैंने बातचीत की संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा से, कि क्यों वो ये समझते हैं कि सरकार इतनी जल्दबाजी में नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, और क्या विपक्ष की आवाज़ एक दिन ना सुना जाना क्या लोकतंत्र की हत्या क्यों माना जाएगा। देखिए आरफा जी, इस बिल को हम लोग काला कानून क्यों कह रहे हैं, क्यों है ये काला कानून? इसलिए कि इसमें किसानों से ये कहा जा रहा है कि अब आप किसी को भी अपना सामान बेच सकते हैं, यानी सरकार अब समर्थन मूल्य खत्म करेगी इस देश में। बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं, सारे मंत्री कह रहे हैं, नहीं नहीं साहब, MSP हमने ख़त्म नहीं की, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। अरे झूठ बोलने के मास्टर हैं ये लोग, भाषणबाजी के मास्टर हैं, इनके चक्कर में मत फंसिएगा। सिर्फ एक चीज इनसे पूछिए, एक चीज, इस बिल में न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र कहां है? यानी अगर किसान से कोई व्यापारी, कोई पूंजीपति, कोई अडानी, कोई अंबानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर 20 रुपए किलो गेहूं का दाम हो और 10 रुपए किलो में भी खरीद ले, तो कोई कानून नहीं है इस बिल में, कोई कानून इस बिल के अंदर ऐसा नहीं है जो उन्हें रोक सके, कोई धारा ऐसी नहीं है जो उन्हें रोक सके। यानी किसानों का शोषण करने में ये बिल खुली छूट देता है। और क्या कहता है, असीमित भंडारण आप कर सकते हैं,
अब जाहिर सी बात है छोटा किसान तो असीमित भंडारण करेगा नहीं, बड़ा बड़ा पूंजीपति छोटे किसानों से धान खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, आलू खरीदेगा, प्याज खरीदेगा, चना खरीदेगा, तमाम सामान तमाम उपज खरीद कर वो उसको बड़े बड़े स्टोरेज के अंदर कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखेगा और जब मार्केट में उसकी कमी हो जाएगी तो ज़्यादा दाम पे बढ़ाकर उसी किसान को बेचेगा। तो ममता बनर्जी ने इस पर एक सख्त रुख अपनाते हुए ट्विटर पर उन्होंने ये ट्वीट किया जिसमें खासकर उन्होंने कहा कि 8 सांसदों को निलंबित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सरकार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा जहाँ तक कि फासिस्ट सरकार भी कह दिया और ये भी पता चलता है कि सरकार का लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है और हम फासिस्ट सरकार के खिलाफ संसद और सड़क दोनों पर लड़ते रहेंगे। तो तानाशाही सरकार कह रही है ममता बनर्जी, लेकिन ये भी समझने की बात है कि अब जो है विपक्ष का चूंकि जो उसकी तादाद है वो उतनी ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में विपक्ष जो है वो संसद से सड़क तक लड़ेगा, तो लेकिन उसकी रणनीति क्या होगी, देखते हैं क्या कह रहे हैं संजय सिंह इस पर। मैंने इसीलिए कल इस संसद के अंदर एक लाइन पढ़ी थी कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, राजनेता हाकिमों और पागलों को छोड़कर तुम बताओ कौन हंसता है हमारे देश में। आज ऐसी बर्बादी की कगार पे हिंदुस्तान के किसान को मोदी सरकार ने पहुंचा दिया, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट इसलिए किया कि नियम कानून संविधान लोकतंत्र सबको ताक पे रख के सबका गला घोटकर मोदी सरकार ने नंबर कम होने के बावजूद, यानी कल ये बिल गिर जाता मोदी सरकार हार जाती राज्यसभा में, इसके बावजूद गला दबाकर लोकतंत्र का गला घोट के ये काला कानून किसान के खिलाफ पास किया गया और इसके खिलाफ हम लोग लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। 8 सांसदों को निलंबित किया गया है, उसकी चिंता नहीं है। हम इसी संसद परिसर में अपना प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं और किसान भाइयों से कहना चाहते हैं इनके छलावे में मत आना, इनके झूठ में मत आना। कई बार आपको धोखा दे चुके हैं, इस बार धोखा नहीं खाना। इनसे पूछो इस कानून में कहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र है, इस कानून में कहाँ MSP का जिक्र है, इस कानून में कहाँ आपकी सुरक्षा का, आपकी किसी कृषि का, आपकी उपज की सुरक्षा का जिक्र है। इस देश के अंदर मंडियाँ ख़त्म, MSP ख़त्म, किसान चौराहे पे खड़ा और बर्बाद। अब ना होगा जय जवान और ना होगा जय किसान, अब अडानी और अंबानी बेचेंगे धान। जय हिंद। और RJD के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज कुमार झा से भी मैंने ये जानने की कोशिश की कि इस पूरे घटनाक्रम पर आखिर विपक्ष जो है उसकी रणनीति क्या है, क्योंकि विपक्ष में भी जो है वो एकता नज़र नहीं आ रही है ऐसे मुद्दे पर, जबकि संसद अब कई महीनों बाद चली है और फिर कोरोना वायरस के मद्देनज़र फिर संसद को जो है वो 23 तारीख से फिर बंद कर दिया जाएगा क्योंकि कई सांसद जो है दर्जन भर से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जो विपक्ष की एकता है उसे कैसे वापस लाया जाए, विपक्ष अपनी आवाज़ को कैसे उठा सकता है और कैसे जो है इस पूरी रणनीति को दोबारा बनाकर जो खासकर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे ये कृषि का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है जिससे किसान सड़कों पर आए हैं, खासकर पंजाब के, हरियाणा के किसान, उत्तर प्रदेश के भी कुछ किसान देखे गए हैं, कैसे उनको लामबंद करने की जो है वो रणनीति बना रही हैं विपक्षी पार्टियाँ। देखिए एक बात तो मैं बेहद खुले दिल से जहन से आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो हुआ वो अवांछनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, लेकिन ये हुआ क्यों? जब तक आप इसके पीछे के घटनाक्रम को नहीं देखेंगे, आपने ये तय कर लिया था कि इस जन विरोधी बिल पूरे अमन पंजाब हरियाणा में किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनके अंदर के आक्रोश तक को आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपकी एक लाए आपके पाले से निकल करके प्रतिरोध उसने किया, तो आखिर कौन सा दबाव था? पूंजी का इतना बड़ा दबाव, सरमायादारों का इतना बड़ा दबाव कि आपने जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स था उसका भी ध्यान नहीं रखा, चाहे स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन पर डिवीजन की बात हो, अमेंडमेंट पर डिवीजन की बात हो, पास से आए आपने दिन क्रिएट किया अपने तौर तरीके से, अपनी मंशा से, और दिन में बिल पास करने की एक नई परंपरा आपने शुरू की है, खास तौर पर अपने पिछले टर्म से। यह आप लोकतंत्र के लिए बहुत ही अस्वस्थ संदेश थे। देखिए संसद की मर्यादाएं टूटी हैं, संसद एक ऐसे इकोसिस्टम में तब्दील हो रही है जहां सत्ता प्रतिष्ठान जो चाहे बुलडोज कर ले।
सड़क के आक्रोश से दूर है संसद, ये चिंता का विषय है। अब विपक्ष को अभी भी, हालांकि संसद में भी विरोध चल रहा है, लेकिन विपक्ष को सड़क और संसद के तार को जोड़ना होगा, खेतिहर समाज के बीच में रहना होगा। क्योंकि अगर संसद संवेदन शून्य होती जा रही है तो उसकी संवेदना जगाने या उसको जगाने के लिए यह आवश्यक है कि सड़क पे खेतिहर समाज के बीच जाकर के इस लड़ाई को एक नया आयाम दे, इस संघर्ष को एक नया आयाम दे, ताकि हम संसद को मजबूर करें, इसी सरकार को मजबूर करें कि ये बिल आप वापस लीजिए, ये बिल खेतिहर समाज का मृत्यु आलेख लिख रहा है, प्लीज। तो साफ तौर पर अगर संसद के बाहर देखा जाए तो तमाम जो विपक्षी आवाजें हैं, जो सरकार की नीति और राजनीति पर सवाल उठाती हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है। संसद के भीतर हम देखें तो क्वेश्चन आवर को खत्म कर दिया गया कि कोरोना वायरस की वजह से जो ऑफिसर्स हैं संसद में उनकी कमी है और इसलिए हम क्वेश्चन आवर नहीं कर सकते। तो उसके अलावा पत्रकारों तक पे, यानी जो भी, जिन्हें अंग्रेजी में डिसेंटिंग वॉइसेस कहा जाता है या असहमति की आवाजें हैं, उन्हें संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़क पर और अलग अलग जगहों पर, जहां भी जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं, जहां लोग सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकते हैं, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में रविवार का पूरा दिन संसद के भीतर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिसके आगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा टेकते हैं, उसके अंदर जो है वो किस तरह से विपक्ष की आवाजों को बंद किया गया है, लोकतंत्र के लिए बेहद फिक्र की बात है, एक चिंता का लम्हा है। और सोचे जाने की जरूरत है कि आखिर जो भारत, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अगर वहां विपक्ष ही नहीं है तो उसे कैसे कहा जाए? सिर्फ सत्ता पक्ष ही क्या लोकतंत्र की नुमाइंदगी करेगा? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।